हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल एंथुजियास्टिक राइडर। आज के वीडियो में मैं आप लोगों से बात करूंगा बाइंग यूज्ड फॉर इको स्पोर्ट इज़ वर्थ इट और नॉट। तो आज मैं आया हूं अरोरा एसोसिएट। अरोरा एसोसिएट भिलाई में है जहां मैं रहता हूं। अरोरा एसोसिएट 4 साल से इस्टेब्लिश हो चुका है और इसके ऑनर हैं अनीश अरोरा, जो कि आप इस वीडियो में आगे मैं इंट्रोड्यूस कराऊँगा अनीश अरोरा जी से। अरोरा एसोसिएट ऑन रोड है जिसके कारण रोड नॉइज़ बहुत ज़्यादा है, तो मुझे इस वीडियो में वॉइस ओवर फिर से करना पड़ा रोड नॉइज़ बहुत ज़्यादा होने के कारण। तो आप लोग जो मेरे पीछे तीनों गाड़ियाँ खड़ी देख रहे हैं, उसमें से दोनों ब्लैक गाड़ियाँ जो हैं, ब्लैक इको स्पोर्ट जो है वो है टाइटेनियम प्लस मॉडल, डीजल वेरियंट में डीजल मॉडल है वो। और जो वाइट वाली इको स्पोर्ट है वो है ट्रेंड मॉडल इको बूस्ट इंजन के साथ पेट्रोल वेरियंट। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये वाली गाड़ी दिखा देता हूँ। ये है टाइटेनियम प्लस मॉडल 2014 डीज़ल है, ये डीज़ल वेरिएंट। तो सबसे पहले मैं गाड़ी की कंडीशन जो है वो बॉडी आपको बाहर से दिखा देता हूँ। गाड़ी में छोटे मोटे डेंट इशू नहीं करते हैं, इशू करता है इंजन की कंडीशन और गाड़ी की कंडीशन मेंटेन कितनी है गाड़ी। ये गाड़ी आप लोग को व्हील कवर के साथ मिल जाएगी, स्पेयर व्हील। ये है गाड़ी ओवरऑल 2014 मॉडल और ये है इको बूस्ट 2017 का है। ये पेट्रोल वेरिएंट है इको बूस्ट इंजन। इसकी कंडीशन भी काफ़ी अच्छी है। इसमें साइड में ये स्टिकर लगा हुआ है। ये इस गाड़ी की कंडीशन और ये मॉडल है 2015 का। ये भी टाइटेनियम प्लस मॉडल है। यह है इसकी ओवरऑल एक्सटीरियर की कंडीशन। अब मैं तीनों गाड़ियों की आपको इंटीरियर की कंडीशन दिखा देता हूँ। सबसे पहले हम लोग चलते हैं इको बूस्ट में। इको बूस्ट की इंटीरियर की कंडीशन कैसी है वो अब हम लोग देख लेते हैं। तो हम लोग अब चलते हैं गाड़ी के अंदर। बैठिए अनिश भैया, मैं उस साइड से आता हूँ। तो यह है गाड़ी की कंडीशन इंटीरियर की। ये सीट अभी पूरी पीछे है इसलिए आप लोग को भी स्पेस थोड़ा कम लग रहा होगा। ये है रियर पैसेंजर कैबिन का स्पेस और अब हम लोग आ जाते हैं सामने। तो ये है गाड़ी का इंटीरियर। इसमें टच स्क्रीन पहले नहीं आता था जैसे आप लोग देख रहे हो, बट यहाँ पे आप अपना मोबाइल स्टैंड लगा के आप उसका यूज़ कर सकते हैं। ये है एसी, अभी लोअर पे चल रहा है और इसका कैबिन जो है वो काफ़ी जल्दी ठंडा हो जाता है। फोर्ड इको स्पोर्ट्स का जो एसी है वो काफ़ी पावरफुल है तो कैबिन को बहुत जल्दी ठंडा कर देता है वो। अब अनीश भैया हमारे साथ में है। अभी अनीश भैया गाड़ी कितने किलोमीटर चली एक बार आपको दिखा देंगे। यस श्योर। इट्स 54,232। तो गाड़ी यहाँ जो इको बूस्ट इंजन है ये अराउंड 54,000 अराउंड चला है। गाड़ी की कंडीशन एक बार हम लोग छोटी सी टेस्ट ड्राइव भी ले लेंगे जिससे आप लोग को गाड़ी की जो ड्राइविंग जो कंडीशन है वो भी मैं आप लोग को बता दूंगा। बाकी इंटीरियर और एक्सटीरियर इस गाड़ी का काफ़ी अच्छा है। इस गाड़ी का प्राइस कितना है अनिश भैया? 650 लैक्स इस गाड़ी का प्राइस है। 2017 का मॉडल है, फर्स्ट ऑनर है गाड़ी, फर्स्ट हैंड है अभी। तो अनुज भैया जैसे इको बूस्ट अभी हम लोग गाड़ी में बैठे हैं तो इसकी एक छोटी सी हिस्ट्री आप मुझे बता दीजिए जिससे
कस्टमर जो हैं आपके कस्टमर और मेरे जो व्यूअर्स हैं जो फ्यूचर में आपके कस्टमर भी बनेंगे, तो उनको आप छोटा सा हिस्ट्री बता दीजिए कि कार की हिस्ट्री क्या है, जिससे उनको ट्रस्ट हो अरोरा एसोसिएट्स पे और इस गाड़ी के ऊपर। इसके जो प्रीवियस ओनर थे जी, वो एक ही था। हाँ। जो कि इंडस्ट्रियलिस्ट है। Okay. ये ड्राइवर मेंटेन कार है। इसकी जो भी सर्विस हुई है, एक छोटी सी ऑयल चेंजिंग की भी सर्विस माना जाएंगी ना। हाँ। तो वो शोरूम के साथ में ही हुई है। इसकी टोटल जो आपको ए टू जेड जो भी हिस्ट्री है। हाँ। वो अवेलेबल है शोरूम के, उस शोरूम में सर्च की है। हाँ, शोरूम से जैसे सर्विस हिस्ट्री शोरूम से हम लोग निकाल सकते हैं। या जी ना, इसमें कोई एक्सीडेंटल क्लेम नहीं इस कार के ऊपर में। ओके। आज तक भी ना ये ओरिजिनल प्रिंट में ना एक जगह कहीं भी टचअप का इसमें वो नहीं है। ओके। छोटे मोटे डेंट वगैरह तो कार में आम बात है। स्क्रैचेस है, डेंट्स नहीं। हाँ, स्क्रैचेस आम बात है। इंजन में अभी तक कोई बिग इशू इसमें आया अभी तक नहीं, क्योंकि ओनली 54,000 चली, तो इसमें जैसे गाड़ियों में इको स्पोर्ट आता ही नहीं। इको स्पोर्ट जो जर्मन इंजन है, इसमें ये इतनी जल्दी कोई इशू आता ही नहीं होता, ऑब्वियस सी बात है। तो अब हम लोग इको स्पोर्ट्स का इको बूस्ट इंजन जो है वो हम लोग ने देख लिया है। अब हम लोग चलते हैं जो इसका डीजल वेरिएंट है उसमें, फिर एक छोटा सा ड्राइव हम लोग इको बूस्ट का ले लेंगे और टाइटेनियम का एक मॉडल का हम लोग एक टेस्ट ड्राइव ले लेंगे, जिससे मैं आपको इसकी ड्राइव क्वालिटी भी आपको बता पाऊंगा। सॉरी, तो चलिए चलते हैं अब टाइटेनियम मॉडल में। अगर आप लोग गाड़ी परचेस करना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अनिश भैया का कॉन्टेक्ट नंबर दे दूंगा, और सोशल नेटवर्किंग में भी है अनिश भैया अरोरा एसोसिएट्स। अगर आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देखेंगे तो अरोरा एसोसिएट्स का इंस्टाग्राम का लिंक और पर्सनली अनिश भैया का इंस्टाग्राम लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुका हूँ, तो आप लोग वहाँ जाके पढ़ लीजिए। और अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट मॉडल जो 2015 का है, डीजल टाइटेनियम प्लस मॉडल। तो आप लोग हम लोग चलते हैं अब उस गाड़ी में। तो ये है इस डीजल वेरिएंट का 2014 मॉडल है ना ये भैया? क्या 2014 मॉडल का इंटीरियर, इंटीरियर एज इट इज़ है। इंटीरियर में कोई चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा, बस इसमें एक यहाँ पे स्क्रीन है जो आपको इको बूस्ट इंजन में आप लोग को देखने को नहीं मिला था। और ये गाड़ी का कैबिन वेल मेंटेन गाड़ी है। इसमें एक एक्स्ट्रा फीचर जो टाइटेनियम प्लस मॉडल में मिलता है, सनग्लास होल्डर, वो है। आप गाड़ी का रियर पैसेंजर स्पेस भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है गाड़ी का रियर पैसेंजर कैबिन। सीट्स वगैरह काफ़ी अभी तक मेंटेन है 2015 मॉडल होने के बाद भी। तो चलते हैं अब सामने। अनिश भैया, सबसे पहले इसका कितना किलोमीटर रन हुई है गाड़ी, वो हम लोग दिखा देते हैं। 72,000 किलोमीटर रन हुई है। ओके। तो ये है इस गाड़ी का इंटीरियर, वेल मेंटेन इंटीरियर है। अभी तक ये सारे जो बटन्स जो हैं वो काफी वेल मेंटेन काम कर रहे हैं, किसी में कोई इशू नहीं है। इसका जो इंटीरियर है वो काफ़ी, मुझे पर्सनली याला इंटीरियर काफ़ी पसंद आता था, अभी जो लेटेस्ट है उससे इसकी जो बटन्स की क्वालिटी है ये काफ़ी शानदार दी हुई है। एज़ कम्पेयर अभी जो लेटेस्ट मॉडल है उससे अगर मैं कंपेयर करूँ तो याला इंटीरियर मुझे ज़्यादा अच्छा लगता था, और प्रीमियम और स्पोर्टनेस इस वर्जन में ज़्यादा थी। तो अब हम लोग इस गाड़ी की बात कर लेते हैं, पर्टिकुलर 2015 मॉडल टाइटेनियम डीजल की। तो ये मॉडल आप लोगों ने देख लिया है कितना चला है, कितना चला था 72। तो आप लोगों ने देख लिया है ये मॉडल जो है वो 72,000 किलोमीटर चला है, 2015 का मॉडल है। और अनिश भी आप बता दीजिए कि ये गाड़ी की कंडीशन और क्या हिस्ट्री रही अभी तक इस गाड़ी की। ये भी फर्स्ट ओनर गाड़ी है, इसके जो प्रीवियस ओनर थे वो एक्स बीएसपी एम्प्लॉयड है। अच्छा। उन्होंने रिटायरमेंट लिए बीएसपी से, तो इन्होंने इसको सेल आउट बड़ा सोच समझ के किया है कि इनको कोई और चॉइस नहीं मिल रही थी इसको सेल आउट करने के बाद,
क्या गाड़ी में। तो सेल आउट करने का रीजन क्या था उनका? वो एक्चुअल में चेंजेस आते हैं आज की डेट में, ऐसे लोग कोई चीज से बहुत जल्दी बोर हो जाता है। 5 साल हो गया इस गाड़ी को यूज करते होंगे, तो उन्होंने स्विच ऑन किया अभी क्रिएटा के ऊपर में। इको स्पोर्ट्स के बाद क्रिएटा में स्विच करना मतलब बहुत क्या डिसीजन रहा है उनके पर्सनल चॉइस होगा? खैर बीएसपी मतलब हमारे भिलाई में भिलाई स्टील प्लांट है, आप लोग जानते ही होंगे भिलाई स्टील प्लांट के बारे में। एशिया का सबसे बड़ा स्टील प्लांट है। जी हाँ, एशिया का सबसे बड़ा स्टील प्लांट है भिलाई स्टील प्लांट। इसके बाद राउरकेला और अदर जो है आप गूगल में सर्च कर लेंगे उनके बारे में। तो गाड़ी की कंडीशन एक बार फिर मैं आपको दिखा देता हूँ। यह है गाड़ी की कंडीशन इंटीरियर से। इसका लेदर भी जो है वो अभी तक पूरा काफ़ी वेल मेंटेन्ड है और सीट की कुशनिंग वगैरह भी इसकी काफ़ी अच्छी। अब हम लोग इस गाड़ी की टेस्ट ड्राइव ले लेते हैं। इस गाड़ी का जो इंटीरियर है वो काफ़ी अच्छा है, प्रीमियम क्वालिटी का है, और इसका एक्सटीरियर भी काफ़ी अच्छा है। इस गाड़ी में पर्टिकुलर इस वाला मॉडल अगर आप लोग को परचेज करना है तो इसमें आप लोगों को रियर जो स्पेयर व्हील होता है उसका कवर भी आप लोग को मिलेगा। इसका अलग से कवर का मैंने एक वीडियो बनाया था, अभी आई लिंक में आप जाके वो वाला वीडियो देख सकते हैं। प्रोज एंड कॉन्स मैंने बताए थे विथ कवर और विदाउट कवर। तो अनिश भैया पॉसिबल हो तो एक छोटी सी टेस्ट ड्राइव हो जाए इसकी, तो मैं आ जाता हूँ ड्राइवर सीट पे। चलेगा? तो चलिए मैं चलता हूँ ड्राइवर सीट पे और आप लोग को बताता हूँ इसकी हैंडलिंग और क्या कंडीशन है एट प्रेजेंट इस गाड़ी की। तो मैं आ गया हूँ डीजल वेरिएंट के ड्राइविंग सीट पे। मैं आप लोगों को इसकी ड्राइविंग जो एबिलिटी है 2015 मॉडल की क्या ड्राइव क्वालिटी है उसके बारे में आप लोगों को बता देता हूँ। इसमें आप लोग को आर्म रेस्ट भी मिलता है ये। अभी लेटेस्ट मॉडल जो आता है उसमें यहाँ पे स्पेस दिया रहता है आर्म रेस्ट में, बट पुराना मॉडल है इसमें इस टाइप का आर्म रेस्ट आप लोग को देखने को मिलेगा। आप लोग के पास जो गाड़ी होगी जो 2017 में इसी टाइप का आर्म रेस्ट है, 17 में भी इसी टाइप का आर्म रेस्ट आप लोग को देखने को मिलेगा, ये वाला सिंपल विदाउट स्पेस। तो चलिए चलते हैं अब इसकी ड्राइव टेस्ट ड्राइव लेते हैं। अगर आप लोगों ने ये वाला मॉडल चलाया है और टाइटेनियम प्लस वाला, ये वाला मॉडल स्पेशली जो पहले आते थे, एट प्रेजेंट जो मॉडल वेरिएंट जो आते हैं 2019 से अभी तक के, उसकी ड्राइविंग और ये वाले जो ओल्ड मॉडल जो आते थे इको स्पोर्ट के, उसकी ड्राइविंग बहुत ज़्यादा बेहतर थी अभी के करंट मॉडल से। तो अगर आप लोग ड्राइविंग पसंद करते हैं, गाड़ी की ड्राइविंग ड्राइवर एंथुजियास्ट हैं, तो बेशक आप लोग को ये वाला मॉडल इको स्पोर्ट का बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। इसकी ड्राइव एबिलिटी बहुत ही ज़्यादा शानदार थी। और अभी मैं चला रहा हूँ 2015 का डीजल मॉडल, तो ना इसमें कोई इंजन नॉइस है, ना किसी तरह का वाइब्रेशन है, और बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स आती हैं फोर्ड इको स्पोर्ट की कि क्लच हार्ड होता है, बट मुझे पर्सनली अभी कुछ फील नहीं हो रहा है 2015 का होने के बाद भी कि इसका क्लच ज़रा सा भी हार्ड है। मैं आप लोग को स्पेशली अलग से दिखा भी दूंगा, क्लच प्रेस करके काफ़ी इजीली स्मूथली प्रेस हो रहा है, कोई हार्डनेस नहीं है उसमें। तो अनिश भैया आप कैसा फील कर रहे हो इस गाड़ी में बैठने के बाद 2015? रिलैक्स, काफ़ी रिलैक्स है, कंफर्टेबल सीट्स वगैरह, कुशिंग। सबसे अच्छा इसका मेरे को एसी लगता है, एसी इसका काफी बहुत अच्छा परफॉर्मिंग है, एसी काफी पावरफुल है इसका। एसी अभी की जो वेरिएंट है उसमें भी काफी पावरफुल वेरिएंट देखने को मिलता है। मैं आप लोग को इसका स्टीयरिंग वगैरह सब दिखा देता हूँ। इसका स्टीयरिंग व्हील में यहाँ पे इंफोटेनमेंट सिस्टम जो है उसका कंट्रोल दिए हुए है, और लेफ्ट राइट साइड में इसका कोई कंट्रोल नहीं है क्योंकि राइट साइड जो है वो टच स्क्रीन नहीं है, टच स्क्रीन होने पर राइट साइड भी इसके कंट्रोल्स आते हैं। अदरवाइज कॉल रिसीव करना है, म्यूजिक चेंज करना है, तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं, इस साइड जो बटन्स दी हुई है। और इसके स्टीयरिंग की फील की बात अगर करूँ तो काफ़ी प्रीमियम है और काफ़ी अच्छा फील हो रहा है, ड्राइव करने में काफ़ी मज़ा आ रहा है। और एट प्रेजेंट जो आप मॉडल चलाते हैं उसके स्टीयरिंग से, इसका स्टीयरिंग होल्ड करने में मुझे ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है।
डीजल वेरिएंट है, ऑब्वियस सी बात है इसका टॉर्क और पावर ज़्यादा है इस गाड़ी में, जिससे इसकी परफॉर्मेंस और ज़्यादा अच्छी हो जाती है। और पर्टिकुलर 2015 मॉडल की बात करें तो ड्राइव क्वालिटी के लिए ये वाला मॉडल ये ईयर बहुत ज़्यादा माना जाता था इको स्पोर्ट के लिए। सॉरी, अगर आप लोग मेरा सजेशन अगर मांगते हैं कि क्या मैं आप लोग को ये गाड़ी सजेस्ट करूं, क्योंकि आप लोग मेरे व्यूअर्स हैं और इससे पहले भी जो भी मैंने आपको कमेंट्स भी किए हैं, जो वीडियो आप लोग के लिए बनाए हैं वो वर्थ इट है या नहीं उसी बेस पे बनाए हैं, तो मेरा अगर पर्सनल आप लोगों के लिए कोई सजेशन है तो आप लोग पर्टिकुलर इस मॉडल के लिए आप जा सकते हैं। अभी मैं चला रहा हूँ टाइटेनियम डीजल मॉडल 2015 का, ऑब्वियसली 2014 मॉडल भी मैंने आप लोग को दिखाया था, वो भी अनिश भैया ने बताया कि काफ़ी अच्छा है, ड्राइविंग एबिलिटी उसकी भी काफ़ी अच्छी है, वो भी इससे कम चली है गाड़ी, वो अराउंड 50,000 किलोमीटर चली है वो गाड़ी, उसकी कंडीशन इससे भी ज़्यादा अच्छी है 2014 का होने के बाद भी, तो आप वो गाड़ी भी परचेस कर सकते हैं। अनिश भैया ने आप लोग को इस पर्टिकुलर इस गाड़ी का और 2015-14 मॉडल जो है दोनों गाड़ियों का प्राइस बताया है आपको। जो मैं क्लच की बात बता रहा था, वो क्लच आप लोग देख सकते हैं ये कितना स्मूथली प्रेस हो रहा है। मैं भी सीट पीछे करके बैठा हूँ आप लोग को दिखाने के लिए, लेकिन उसके बाद भी स्मूथली जो है ये प्रेस हो जा रहा है। मुझे पैर उठाना पड़ रहा है क्योंकि मैंने सीट पीछे की है इसके लिए, अदरवाइज ये पैर के साथ में भी प्रेस हो जाता है, तो इसका क्लच बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो इस गाड़ी का क्लच मैंने अभी आप लोग को दिखाया कि क्लच बिल्कुल भी हार्ड नहीं है इसका, जो इको स्पोर्ट्स की लोग कंप्लेन करते हैं कि बहुत ज़्यादा हार्ड है क्लच। और मैं इसका गियर शिफ्टिंग भी आप लोग को दिखा देता हूँ, गियर शिफ्टिंग भी काफ़ी स्मूथली हो रहा है इस मॉडल का 2015 का होने के बाद भी, काफ़ी वेल मेंटेन्ड है ये गाड़ी। तो आप लोग देख सकते हो इसका गियर शिफ्ट जो है वो काफ़ी स्मूथली हो रहा है, मुझे बिल्कुल भी प्रेशर किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं लगाना पड़ रहा है, काफ़ी स्मूथली चेंज हो रहा है, वेल मेंटेन्ड है ये गाड़ी। तो जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अरोरा एसोसिएट्स का नंबर है, आप कॉन्टेक्ट कीजिए अरोरा एसोसिएट्स को, अनिश भैया को, और बेस्ट डील आप लोग पाइए अरोरा एसोसिएट्स में। हर गाड़ी पर, सिर्फ इको स्पोर्ट्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, हर गाड़ी जो है वो अरोरा एसोसिएट्स में आपको काफ़ी अच्छी कंडीशन पर मिलेगी। और मैं एक अलग वीडियो फिर किसी दिन और बना दूंगा जो बाकी गाड़ियां हैं उनके डिटेल्स पे। ये वीडियो सिर्फ इको स्पोर्ट्स के लिए था, बेसिकली मैं जनरली मोस्टली इको स्पोर्ट के ही वीडियो बनाता हूं। तो नेक्स्ट वीडियो आप लोग को जो देखना मिलेगा अरोरा एसोसिएट्स का वो होगा बाकी गाड़ियां जो है वो सारी डिटेल्स के साथ हम लोग बात कर लेंगे। आप लोग को जो भी गाड़ी परचेस करना है ऑलमोस्ट सारी गाड़ियाँ अवेलेबल हैं। तो मैं आ गया हूँ अभी पेट्रोल वेरियंट में इको स्पोर्ट के, अभी मैं आप लोग को दिखा देता हूँ ये गाड़ी कितने किलोमीटर चली हुई है। ये गाड़ी चली है 54,232। तो अब हम लोग इस गाड़ी का टेस्ट ड्राइव लेते हैं। तो मेरे साथ है अभी तो अनिश भैया को थोड़ा सा एक्चुअली कार का डील करना था, कोई कॉल्स वगैरह आ गए थे उनके, तो अभी मेरे साथ है अनिश भैया, तो अनिश ईशान सॉरी ईशान भैया, तो चलते हैं अभी हम लोग इस गाड़ी की टेस्ट ड्राइव लेते हैं और इस गाड़ी के बात करते हैं ये गाड़ी की हैंडलिंग और कैसी है इस गाड़ी की ड्राइव क्वालिटी। तो अभी मैं चला रहा हूँ 2017 का मॉडल है ये पेट्रोल वेरिएंट, इसकी ड्राइव क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। जैसे मैंने बताया था पिछला मॉडल जो था उसकी हैंडलिंग काफ़ी अच्छी थी, इसकी भी हैंडलिंग मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है, हैंडलिंग के मामले में भी ये गाड़ी कहीं पीछे नहीं है 2015 मॉडल से, इसकी कंडीशन बल्कि ज़्यादा अच्छी है। ये 2017 का मॉडल है और काफ़ी वेल मेंटेन्ड है इंटीरियर भी इस गाड़ी का, और इस गाड़ी के टायर्स की कंडीशन भी मैंने देखा काफ़ी अच्छी है इस गाड़ी की टायर की कंडीशन। भैया इस गाड़ी का प्राइस क्या रखा है अपन ने? 6,70,000 इस गाड़ी का प्राइस है, 2017 का मॉडल है, फर्स्ट ओनर है इस गाड़ी के। और क्या हिस्ट्री क्या थी इसकी? तो ये है कि सर सर्विस क्लास की गाड़ी है,
ओके अच्छा ओके अभी तक थोड़ी सी चलाई है मैंने इस गाड़ी को, लेकिन इस गाड़ी की हैंडलिंग मुझे काफ़ी अच्छी फील हो रही है, काफ़ी अच्छा फील हो रहा है इस गाड़ी को हैंडलिंग एज अ हैंडलिंग इसको चलाना। इस गाड़ी की हैंडलिंग के बारे में मैंने आप लोग को बता दिया है। जो हार्डनेस के बारे में बात करते हैं क्लच के, तो ये पेट्रोल वेरियंट है, इसका क्लच बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। डीजल वेरियंट में थोड़ा बहुत हार्डनेस आप लोग को देखने मिलती है, बाकी इतनी हार्डनेस नहीं होती कि आप लोग कंप्लेंट करें उसकी, जैसे बहुत सारे लोग फोर्ड इको स्पोर्ट्स के क्लच हार्डनेस के बारे में कंप्लेंट करते हैं। और गियर शिफ्टिंग इसकी भी काफी अच्छी है, कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। और 2017 का मॉडल होने के बाद इस गाड़ी की कंडीशन काफी अच्छी है, 3 साल हो चुके हैं इस गाड़ी को। इस गाड़ी को अब मैं थोड़ा सा रेव करता हूँ। काफी अच्छा पिकअप है इस गाड़ी का, वेल मेंटेन गाड़ी है। अब इस गाड़ी का ब्रेकिंग भी हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। काफी अच्छा ब्रेकिंग, काफी अच्छी है, एबीएस ने काफी अच्छा काम किया। इंटीरियर का मैं आप लोग को बता चुका हूँ, इस गाड़ी का इंटीरियर काफी अच्छा है, वेल मेंटेन गाड़ी है। सर्विस क्लास जो आदमी थे, जो पर्सन थे सॉरी, उनकी गाड़ी थी ये, उन्होंने फिर दूसरी गाड़ी में स्विच किया। स्विच करने का रीजन तो नहीं पता, बट सर्विस क्लास आदमी है, वो जल्दी बोर हो जाते हैं गाड़ियों से, तो वो जल्दी चेंज कर लेते हैं। अदरवाइज इको स्पोर्ट्स जो है, वो इको स्पोर्ट जनरली जो ऑनर है वो चेंज इतनी जल्दी नहीं करते। तो मैंने आप लोग को दोनों गाड़ियां दिखा दी हैं, अरोरा एसोसिएट्स ने मुझे गाड़ी प्रोवाइड की, तो थैंक यू सो मच अरोरा एसोसिएट को। तो अरोरा एसोसिएट्स को थैंक यू सो मच मुझे गाड़ी प्रोवाइड करने के लिए, रिव्यू करने के लिए। और थैंक यू सो मच भैया आपको भी, आपने इतना बिजी शेड्यूल से थोड़ा सा टाइम निकाला मेरे लिए। कस्टमर के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं जी। तो मैं कॉन्टेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुका हूँ, आप लोग नीचे जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टेक्ट नंबर देखिए और कॉल कीजिए अरोरा एसोसिएट्स को। पहले भी मैं ये चीज़ बता चुका हूँ, बेस्ट डील आप लोग को अरोरा एसोसिएट्स में मिलेगी। और बहुत सारी गाड़ियां हैं, सिर्फ इको स्पोर्ट्स नहीं, जितनी भी गाड़ियां आप लोग को अरोरा एसोसिएट्स में मिलेगी वो अच्छी कंडीशन की ही मिलेंगी, सारा वेल मेंटेन्ड, सारी चीज़ें वेल मेंटेन्ड होती है। गाड़ी में कोई किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम आप लोग को देखने को नहीं मिलेगा। डॉक्यूमेंटेशन काफ़ी ईजी हो जाता है, कोई हैट्रिक नहीं है, आप लोग को दौड़ा भागी वगैरह कुछ नहीं करना है। अगर आप गाड़ी फाइनेंस कराना चाहते हैं तो वो भी यहाँ से इजीली अवेलेबल हो जाता है। सो एवरीवन, दैट्स ऑल, आज के वीडियो में बस इतना ही। आज का वीडियो बेसिकली इसी के लिए था कि मैं दिखाना चाह रहा था कि आप लोग को सेकेंड हैंड फोर्ड इको स्पोर्ट वर्थ इट होगी या नहीं आप लोग के लिए बाय करने के लिए, क्या ऑप्शन अवेलेबल्स हैं अरोरा एसोसिएट्स में। अरोरा एसोसिएट्स का कॉन्टेक्ट नंबर मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुका हूँ, आप लोग जाके देखिए, परचेस कर सकते हैं गाड़ी वहाँ से, बेस्ट ऑप्शन आप लोग को मिलेगा। गाड़ी की कंडीशन काफ़ी अच्छी है, इको स्पोर्ट जो है काफ़ी मेंटेन है यहाँ पे, हर गाड़ी काफ़ी मेंटेन है। पर्टिकुलर आज इको स्पोर्ट की बात करते हैं, इको स्पोर्ट के लिए मैंने वीडियो बनाया था, तो काफ़ी अच्छी कंडीशन है तीनों गाड़ियों की। तीनों गाड़ियों का प्राइस, कौन सा मॉडल है, सारे डिटेल्स मैं आप लोग को इस वीडियो में बता चुका हूँ। तो फाइनल जो क्वेश्चन था, यस फोर्ड इको स्पोर्ट वर्थ इट होगा बाय करना, अगर आप लोग का बजट कम है, अगर आप फर्स्ट बाय करना चाह रहे हैं तो आप सेकंड हैंड फोर्ड इको स्पोर्ट पे भी जाके उसका एक्सपीरियंस ले सकते हैं, उसके बाद फिर आप स्विच कर सकते हैं नया इको स्पोर्ट पे। तो दैट्स ऑल, आज के वीडियो में बस इतना ही। आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कीप सब्सक्राइब एंथुजियास्टिक राइडर। थैंक यू सो मच गाइज़।